आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक के हमारे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की। वर्ष 2019 के आखिरी दिनों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक नए वर्ष की इंतजार कर रहे हैं। हमारे सामने से हमारे जीवन में से 360 दिन किस प्रकार से गुजर गए हैं, इसका हमें किसी प्रकार का अनुमान भी नहीं है। इसमें हमने बहुत कुछ पाया है, कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है। हमारे सामने सिर्फ 5 दिन बाकी हैं ताकि हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर पाए। ये 5 दिन खत्म होकर नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर हमसे कुछ चाहते रखते हैं, और हम व्यक्तिगत रूप से अपने कर्तव्य मानकर इसे अपना निर्णय और एक संकल्प के रूप में लेना चाहिए। हमेशा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो गलत काम ना करता हो। हमें से ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिसके सामने जाने अनजाने में गलतियां ना होती हों। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आदत से मजबूर हो गए हैं, कुछ गलत चीजों को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और कुछ लोग बुराइयों को, पाप को, गलतियों को और गलत चीजों को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाकर उन्हें रहने की जगह दे दिए हैं। आप जानबूझकर करते हैं या अनजाने में करते हैं, लेकिन पाप पाप होता है, गलती गलती होती है, बुराई तो बुराई ही होती है, उससे कब तक अपने साथ में रखेंगे। ये पाप, ये बुराइयां, ये गलतियां एक कैंसर के समान है जो हमारे शरीर में रहकर फैलते जाते हैं, कभी घटते नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह, छोटी जगह से बड़ी जगह तक फैलकर हमारी सारी देह का नाश कर देंगे और हमारे प्राण को खत्म कर देते हैं। तो कैंसर जैसी ऐसी बुराइयों को, पापों को भला हम अपने जीवन में क्यों रहने दें। उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करने का एक निर्णय हमें लेना चाहिए। इन 5 दिनों में परमेश्वर चाहते हैं हम कुछ ऐसे 5 निर्णय को लें जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से लाभदायक हो और हमारे जीवन में आगे देखने के बाद ऐतिहासिक जीवन बन सके। सर्वप्रथम हम अपने आप के बारे में सोचें। इस साल भर में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कुछ किया है, अच्छा किया है, गलत किया है, बुरा किया है। अगर अच्छा किया है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आशीर्वाद के रूप में लेकर आएंगे। अगर गलत किया है, बुरा किया है, उसका प्रतिफल हम दंड के रूप में भी देखते हैं, उसका परिणाम बुराई के रूप में भी देखते हैं। ये पंच इंद्रिय जो हमारे जीवन के अंग हैं, कभी हमारे नियंत्रण में रहते हैं, कभी नहीं रह पाते हैं। इन पंच इंद्रियों को हमारे नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हमारे कान किस प्रकार से सुनते हैं, हमारी आंखें किस प्रकार से देखती हैं, हमारी जबान किस प्रकार से बोलती हैं, हमारे शरीर किस प्रकार के स्पर्श को पाती हैं, हमारा मन किस प्रकार से सोचता है, ये सब हमें जाँचना बहुत जरूरी है। क्या हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा स्पर्श करना, हमारा सोचना, क्या परमेश्वर के लिए भावतः बलियाग होता है, क्या वो परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य काम होती हैं। कभी हम बुराई मुंह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन कानों से करते हैं उसे सुनकर। कभी हम बुराई अपनी आंखों से कर देते हैं, किसी और रूप में हम लोग गलत काम कर देते हैं। इस संसार में लगभग हर एक व्यक्ति नए वर्ष का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह नए निर्णय को ले और नए जीवन के प्रवेश करें। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह हर साल की प्रक्रिया है। हम निर्णय लेते हैं, कभी इसमें चूक जाते हैं, कभी खड़े हो पाते हैं। यह वर्ष आपके सामने है जिनमें सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, आपको निर्णय लेने के मौका देते हैं। फैसला आपका होता है, आप क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। अगर आप बुराई को साथ में रखना चाहेंगे, इच्छा आपकी है, निर्णय आपके हैं। अगर बुराई को आप छोड़ना चाहेंगे, इच्छा आपकी है, निर्णय आपके हैं। जो कुछ भी आप इस संसार में करते हैं वो सिर्फ आप ही के लिए प्रतिफल को लेकर आते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं आपके लिए प्रतिफल आती है, अगर आप बुरा करते हैं आपके लिए प्रतिफल आती है। आपके अच्छे निर्णय, आपके अच्छे काम, आपके अच्छे सोच कभी ना केवल आपके लिए आशीर्वाद को लेकर आते हैं, परंतु आपके परिवार के लिए भी लेकर आते हैं, आपके परिवार के साथ साथ आपके समाज के लिए भी लेकर आते हैं। आपकी छोटी सी गलत निर्णय इसी प्रकार से आपके ऊपर परिणाम को लेकर आती हैं। इसका परिणाम आपके परिवार के ऊपर भी हो सकती हैं और साथ ही साथ आपके समाज के ऊपर भी।
तो जो भी आप फैसला करते हैं आज आपका भविष्य बनाता है। अपने आप के लिए एक अच्छी भविष्य बनाए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी भविष्य बनाए, अपने समाज के लिए एक अच्छी भविष्य बनाए। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमसे मांग रखता है और खुदावंत की मांग, खुदावंत की चाहत यह होती है कि हम केवल अपने लिए न जिए परंतु हम दूसरों के लिए जिए। लेकिन हम अपने जीवन को जीते हैं, हमें इतना ध्यान देना जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंत में कहाँ प्रवेश करते हैं। दिसंबर का महीना बीतकर जनवरी में प्रवेश करते हैं, एक पुराने वर्ष में से नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। हर एक व्यक्ति नए वर्ष में प्रवेश करने की आशा को रखते हैं, इनमें से कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उन घरों में, उन परिवारों में, उन समाज में बड़ी अफसोस की बात होती है कि उनके संग जीने वाला, उनके संग रहने वाला, उनके साथ साथ रहते हुए नए वर्ष में प्रवेश करने से कुछ ही पलों पहले इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। बहुत सी योजनाओं को बनाए हैं, बहुत सी प्रणालियों को बनाए हैं, कितने सारे स्वप्न और अरमानों को बनाए रखे हैं कि नए वर्ष में जाकर फलाना करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन अफसोस हुआ कि नए वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मनुष्य का ये जीवन, खासकर ख्रिस्ती का जीवन, किसी नए वर्ष में प्रवेश करना अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु संसार के बाद में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उनका लक्ष्य होना चाहिए। बुराई से भलाई में प्रवेश करना, पाप से पवित्रता में प्रवेश करना, अन्याय से न्याय में प्रवेश करना, अधर्मी जीवन से धार्मिक जीवन में प्रवेश करना, गलत जीवन से सही जीवन में प्रवेश करना और सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना एक ख्रिस्ती का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। क्या हम इस प्रकार के लक्ष्य को रखते हैं? अगर ऐसे लक्ष्य हमारे नहीं हैं तो हमारे निर्णय, हमारी योजनाएं किस काम के? इस संसार में नाशवान चीज़ों के विषय में अपने मन को ना रखें, अविनाशी चीज़ों के ऊपर अपने मन को रखना चाहिए। ये संसार नाशवान है, खत्म हो जाएगा, अविनाशी स्वर्ग राज्य में और अविनाशित शरीर को पाकर हम भी अनंत जीवन को प्राप्त करके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए अपने जीवन में ऐसे कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। ये 5 दिन जो हमारे सामने हैं, इनमें से कुछ 5 ऐसी बातों को हम लोग सोचेंगे जो हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए पापमय हैं और हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। कौन से ऐसे 5 बातें हैं, कौन से ऐसे 5 काम हैं, कौन से ऐसे 5 सोच हैं, विचार हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जो हमें नुकसान की ओर लेकर जा रही हैं? एक बार हमारे सोचने का समय है ये। हम अपने आप को परिवर्तित करते हुए, अपने आप को रूपांतरित करके परमेश्वर के सामने एक जीवित बलि आग के रूप में अपने अंगों को समर्पण करना, यही हमारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के प्रश्रोताओं, परमेश्वर के प्रभक्त गणों, थोड़ा समय आज हम अपने आप के लिए लेते हैं। उद्देश्यपूर्ण और विश्वासपूर्ण प्रार्थनाओं की श्रृंखला में हमने 40 प्रार्थनाओं को देखा है। किस प्रकार छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी सोच परमेश्वर के सामने जब जाते हैं और खुदावंत उनसे प्रसन्न होकर भक्तों की प्रार्थना को उत्तर दिए हैं। हमने कितने ही प्रार्थनाओं के ध्यान किया है, कितने ही प्रार्थना को उत्तर को किस प्रकार से देखा है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते समय आज हम अपने आप के लिए प्रार्थना करने हैं और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने हैं और हमारे जीवन के माध्यम से हमारे और हमारे परिवार की और समाज की भला के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को इस प्रकार रूपांतरित करने के लिए इस प्रार्थना में थोड़े समय अपने आप के लिए बिताएंगे। एक नए वर्ष में जाना चाहते हो, कुछ ऐसे 5 अच्छे काम करने के लिए सोचो जिससे आपका भला हो और दूसरों का भी भला हो। बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाकर उसके साथ चलना, यही सबसे बड़ी आशीषमान बात होती है। इससे बड़ा निर्णय दूसरा कुछ नहीं है, इससे बड़ा भाग्य आपके जीवन और कुछ नहीं ला सकता है। जिस प्रकार राजा याबेश की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया था, याबेश ने प्रार्थना किया था न केवल उनके देश को, न केवल उनके सरहदों को, न केवल उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, परंतु उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना किया था कि बुराई से उन्हें दूर रखने के लिए। आज याबेश की वो प्रार्थना हमें भी करना चाहिए और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था बुराई से दूर रखना, यही प्रार्थना आपको और मुझे भी करना चाहिए। परीक्षा में गिरना, बुराई में गिरना, यह हमारे लिए सबसे खतरा होता है। अगर हम इससे बच गए हैं, आशीर्वाद अपने आप अपने घर पर आ जाएंगे। अगर हमने बुराई को अपने आप से दूर रखा है और परमेश्वर के अनुग्रह हमने प्राप्त किया है,
इससे बड़ा भाग्य, इससे बड़ी आशीर्वाद, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ी सामर्थ्य और कुछ नहीं हो सकती है। एक भला इंसान की सामर्थ्य के सामने बुरा इंसान की सामर्थ्य कभी काम नहीं करती है। एक धर्मी पवित्र इंसान की सामर्थ्य इतनी महान होती है कि वह स्वर्ग से भी ताकतों को नीचे उतार सकता है और परमेश्वर के बल और सामर्थ्य को पाकर सब कुछ कर सकता है। ऐसे धार्मिक, ऐसे पवित्र और ऐसी अच्छी और सच्ची शक्ति को आप पाना चाहते हैं तो बुराई से आपको दूर रहना चाहिए। ये संसार आखिरकार हमें अपने आप बुराई की ओर खींच कर लेकर जाता है। बुराई में गिरना बहुत आसान है, बुरे कामों को करना बहुत आसान है और लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ बुराई करते रहते हैं। बुराई से भरी संसार में परमेश्वर ने हमें, अंधकार से भरी संसार में परमेश्वर ने हमें ज्योति के समान और नमक के समान रखा है। जो बेस्वाद के संसार है, जो बिना उजाले की संसार है, जिसमें आपको और मुझे मार्गदर्शक बनना है। हम तभी मार्गदर्शक बन पाएंगे जब हम अपने जीवन में ज्योति को लेकर आए, अपने जीवन में स्वाद को लेकर आए, हमारे जीवन से उस उजाला को हम लोगों के सामने दीपक के समान रखें ताकि उनके पांवों के लिए मार्गदर्शक बन सके। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पांवों के लिए दीपक समान बनता है। तो परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचनों को सुनते रहें और हमेशा बुराई से दूर रहे, भला करने के लिए एक निर्णय को लें। आज के ध्यान को यहाँ पर समाप्त करने से पहले आइए अपनी सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हम सब छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वर्ष के बीतने में सिर्फ 5 दिन हमारे सामने हैं और हम चाहते हैं परमेश्वर इन 5 दिनों में आप हमारे लिए कुछ ऐसा करें और हम भी अपने आप के लिए कुछ ऐसा करें जिससे खुदा हमारे जीवन बदल जाए और इससे परमेश्वर आपको भी महिमा मिले। हमारे पंच इंद्रियों को हमारे नियंत्रण शक्ति में रखने के लिए हमारी सोचों को बदल दीजिए, हमारे विचारों को बदल दीजिए प्रभु, हमारी आदतों को बदल दीजिए, हमारी बुराई को हमसे दूर कर दीजिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से हर प्रकार की प्रभु जी, जो कोई भी बुराइयाँ, जो कोई भी कमजोरियाँ हमारे जीवन में हैं, उन सबको परमेश्वर अभी इसी वक्त निकाल दीजिए। हमें नए वर्ष के प्रवेश करवाते समय प्रभु एक नई जीवन प्रदान कर दीजिए। आपका वचन कहता है जो कोई भी मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। हम एक नई सृष्टि बनाकर प्रभु आपके राज में ले जाने के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, हमारे एक छोटी सी प्रार्थना को आप सुनते हैं या अब इसकी प्रार्थना आपने सुनी है, प्रभु हमारे भी प्रार्थना को सुनिए और हमें उत्तर दीजिए। हमारी पुकार को आपने सुना है, बुराई से दूर रखा है, भलाई हमारे साथ में रखा है। धन्यवाद करते हुए उद्धार का यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परेश्वर, आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल फिर मिलने का वादा करते हुए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, दूसरों को सुनाते रहिए। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।